जेनेरिक दवाइयाँ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते नहीं हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2 अगस्त के अपने आदेश में बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। 2002 से इंडियन मेडिकल काउंसिल ये बोल रही है कि भाई आप जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन दो, मगर अभी तक उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएंगी ऐसा नहीं था। अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो 2 अगस्त को आदेश पारित किया है उसमें यह लिखा हुआ है कि भाई यदि डॉक्टर ये वायलेट करता है, जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन लिखता नहीं है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नंबर एक, शुरू में उसको वार्निंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि भाई आप कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, कुछ ट्रेनिंग लो, इसके बारे में जानकारी लो, ऐसा बताया जाएगा। और ये बार बार यदि वायलेशन होता है तो कुछ काल के लिए डॉक्टर का लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं। अभी इसका विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर शरद अग्रवाल, इन्होंने इसमें स्टेटमेंट जारी किया है, बताया कि भाई जेनेरिक की क्वालिटी कैसी होंगी हमको पता नहीं, जेनेरिक की क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत पुअर होता है, ब्रांडेड जो है वो आखिर ब्रांडेड ही है। हम भी जब जाते हैं ना मार्केट में तो हम देखते हैं कि ब्रांडेड कौन सा आइटम है भाई और उसमें का बेस्ट मुझे चाहिए, जेनेरिक में हम जाते नहीं है। वैसा ये है, क्या होगा कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक का देगा, वो जेनेरिक का प्रिस्क्रिप्शन यदि वो शॉप में नहीं है, केमिस्ट के शॉप में वो नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या है, अभी कौन सा माल बेचना या कौन सा जेनेरिक की दवा देना या कौन सा सब्सिट्यूट देना, वो जो दुकानदार है वहाँ का जो लड़का है, हो सकता है कि बहुत बार वो डिफॉर्म भी नहीं रहता है, उसके हाथ में कभी कौन सी दवा देना। अभी क्या हो जाएगा कि जेनेरिक दवाई देने के बदले बोलेगा मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में तो ब्रांडेड है और जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होंगी वो प्रॉफिट मार्जिन की दवाई वो पेशेंट को देगा। अल्टीमेटली नेशनल मेडिकल कमीशन का जो इरादा है कि जेनेरिक दवाई 30 से 80% कम दाम में मिलती है, वो अल्टीमेटली पेशेंट को फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका अभी कंट्रोल डॉक्टर के हाथ से केमिस्ट के हाथ में जाने वाला है। पेशेंट अल्टीमेटली जो सफ़र होना है वो होना ही है। पेशेंट को क्वालिटी दवाई मिलेंगी कि नहीं मालूम नहीं है, पेशेंट को वही दवाई मिलेंगी कि नहीं वो भी मालूम नहीं है। बहुत बार क्या करते हैं केमिस्ट बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क रहता है मगर दवाई एकदम उल्टी पुल्टी रहती है, मतलब वो दवाई रहती नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। और फिर होता क्या है कि केमिस्ट बोलता है ठीक है ये बराबर है, वो पढ़ता भी नहीं है कि दवाई कौन सी है, क्योंकि कंटेंट इतने कॉम्प्लिकेटेड है कहीं कहीं जगह कंटेंट जब लिखते हैं तो, और फिर वहाँ प्रॉब्लम होता है, उसने कहीं सब्स्टिट्यूट मार दिया वहाँ तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, पेशेंट को गलत दवाई मिल सकती है। नाम एकदम सिंपल रहता है, भले ब्रांडेड मगर एकदम सिंपल रहता है, और वो सिंपल नाम ही लोगों को दिमाग में ख्याल रखने के लिए अच्छा रहता है। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। उसके लिए ये नहीं है कि डॉक्टर ने जेनेरिक दवाई लिखना है, मगर पता नहीं अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ये बोलता है तो डॉक्टर लोगों को फॉलो करना पड़ेगा या फिर उसके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।